तो व्हाट्सएप हेलो चलिए फिर से आगे आपको इस न्यू वीडियो के साथ देख सकते हैं अभी मेरा फेस कैसा है जिसके वन क्लिक में करेंगे फोटो एडिट। इसमें मैं प्रीसेट लगाऊंगा कैसे, मतलब कॉपी कर कैसे पेस्ट करते हैं और कैसे प्रीसेट को पहचानते हैं, प्रीसेट को कैसे उपयोग करते हैं और कैसे मतलब अपने फेस में इतना व्हाइट इतना गोरा बनाऊंगा अपने फेस को, आप भी बना सकते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच करके जाएंगे तो मेरे तरह आप भी करेंगे फुल एडिट क्वालिटी में और हार्ड। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोले तो प्रीसेट कॉपी करके पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, मैं इसमें दाम बारीकी से बताया हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो। देख लीजिए यहाँ पे जो रॉयल है ये प्रीसेट का ओरिजिनल चिन्हानी मतलब पहचान होता है, जो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो व्हाइट है ये रॉयल लिखा हुआ है। और फिर देख लीजिए जब उस पर क्लिक करेंगे प्रीसेट आपका जो रहेगा मतलब आप डाउनलोड करेंगे तो जो रॉयल होता है जो वहाँ पे नीचे था तो देख सकते हो वहाँ ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। देख लीजिए एक बार और आपको दिखला दे रहा हूँ, इस यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए ऑटोमेटिक ऊपर चला गया है, जो यहाँ से हट करके ऊपर गया है ये ओरिजिनल प्रीसेट का पहचान होता है। आप भी पहचान कर सकते हैं कि प्रीसेट है या नहीं है। और फिर चलिए मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर इसको मैं चलिए इसको शेयर करता हूँ लाइटो मोबाइल एप्लीकेशन में। ये मेरा प्रीसेट है, आपको मतलब आप भी प्रीसेट को डाउनलोड करके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसको कॉपी करते हैं और कैसे इसको पेस्ट करते हैं, मैं बारीकी से इस वीडियो में बताया हूँ। चलिए मतलब यहाँ पे जो ऊपर थ्री डॉट है उस पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिएगा बारीकी से मैं बताया हूँ, यहाँ जो कॉपी सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे, उसमें नहीं करना है, सॉरी उसको हटाते हैं, उसमें नहीं करना है, इसको हटाते हैं जो उसमें नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे इसमें जो कॉपी सेटिंग है उस पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ से इस पर क्लिक करना है जो ऊपर कॉपी सेटिंग है उस पर, यहाँ से इस पर क्लिक करना है। आपको बारीकी से मैं बताऊंगा, अक्सर यह होता है कि मतलब जो ऊपर अभी बताया उस पर नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है जो यहाँ पे कॉपी सेटिंग है, और जो यहाँ पे जो मतलब टिक लगा हुआ है आप सब में मतलब पूरा में टिक लगा लीजिएगा, सिर्फ वहाँ पे कॉपी एक्स गैलरी है उसको छोड़ करके। चलिए मैं इसको दोनों को लगा दिया हूँ और फिर ऊपर जो है उसको बीच वाले को नहीं कीजिएगा और जो मतलब छूटा हुआ है इसको नहीं करेंगे, ऊपर डन कर देंगे, ऑटोमेटिक डन कर देंगे। देख लीजिए सेटिंग कॉपी से हो गया है। और इतना होने के बाद आपको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो इसको बैक कर देंगे, बैक करने के बाद आपको जो फोटो होगा उसको ऊपर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से गैलरी पर क्लिक करके मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड करके मतलब ऐड करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से अपना फोटो को क्लिक कर लूंगा। जैसे इस देख सकते हैं इस फोटो को क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे पेस्ट होता है। देख लीजिए इस पर क्लिक करिए थ्री डॉट पे, यहाँ पे जो पेस्ट सेटिंग है उस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए वन क्लिक में पेस्ट हो जाएगा। देख लीजिए इस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो देख लीजिए वन क्लिक में पेस्ट हो गया, आपका भी ऐसे हो जाएगा पेस्ट। और चलिए इसको एडिट करते हैं अपना फोटो को। यहाँ पे एडिट पर क्लिक करने के बाद जो कलर है इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा थोड़ा और हार्ड बनाएगा अपना फोटो को, जैसे कि इस पर क्लिक करके कलर पे और जो मिक्स कलर है उस पर क्लिक करेंगे। आपको बारीकी से बताएंगे, आपको मतलब फुल एडिट क्वालिटी और हार्ड फोटो करके देंगे, आप भी कर सकते हैं ऐसा। जो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए कुछ इतना सेटिंग माइनस का 9 रख दिया हूँ, 11 रख दिया हूँ, यहाँ पे सेचुरेशन को 11 रख दिया हूँ, और यहाँ पे लेमनेस है जो 68 रख दिया हूँ यानी 68 रख दिया हूँ, और जो यहाँ पे पीला वाला टून है उस पर क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद अपने आपका जो मतलब पीछे का बैकग्राउंड होगा वो कलर ले लीजिएगा, जो मेरा ये ऐसा है तो मैं पीला ले लिया हूँ और कुछ इतना सेटिंग कर दूंगा। और करने के बाद जो ये रेड है तो आपका मतलब जो मतलब रहेगा कलर वो ले लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, जो मैं यहाँ पे रेड है तो मैं इतना इतना कर दे रहा हूँ। और इतना करने के बाद देख लीजिए इसको सिंपल सी डन पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ शर्ट है शर्ट वाले पर क्लिक करके और शर्ट वाले कलर पर क्लिक करके वहां से इसको भी मिला लीजिएगा अपना शर्ट का, तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी डन पर क्लिक करके और फिर ऊपर इस पर शेयर पर क्लिक कर देंगे, और शेयर पर क्लिक करने के बाद जो सेव टू गैलरी डिवाइस है इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद चलिए मैं अपने फेस को मतलब बोले तो स्मूथ करते हैं और फेस को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, चलिए मैं बोलता हूँ कि मैं फेस को जो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होठ को लाल करता हूँ। देख लीजिए ये मेरा फोटो है और फिर इसको देख लीजिए वन क्लिक में किया हूँ, आपको जो बोले थे कि मैं वन क्लिक में आपको दे दूंगा फोटो एडिट करके। चलिए होठ को थोड़ा सा लाल करता हूँ जो अभी नॉर्मल है, देख लीजिए वो होठ है, इसको रेड करते हैं जो आपको फोटो को ऑसम और हार्ड लुक दे देता है। चलिए मैं इसको शेयर कर लूंगा स्केच बुक में, चलिए यहाँ से स्केच बुक किधर है यहाँ पे है, चलिए इसको क्लिक करके इसको स्केच बुक में सेंड कर लूंगा। और सेंड करने के बाद चलिए यहाँ पे कुछ जितना मैं रखूंगा उतना ही अभी सेटिंग रख लेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। चलिए लेयर पर क्लिक करने के बाद चलिए मैं बताता हूँ, लेयर पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाले लेयर है प्लस पर क्लिक करके एक लेयर बना लेंगे, और एक लेयर बनाने के बाद इस वाले लेयर पर क्लिक कर देंगे जो बनेगा उस लेयर पे, और फिर यहाँ से बिंग पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देंगे, और सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करने के बाद सिंपल से यहाँ से ब्रश पर क्लिक करके ब्रश को चूज कर लेंगे, जो मैं ब्रश रखूंगा वो आप भी रख लीजिएगा। चलिए मैं ऊपर गया नीचे की ओर स्क्रॉल करके देखता हूँ ब्रश किधर है, यहाँ पे ब्रश है इसको ले लूंगा, आप भी इसको ही ले लीजिएगा और सेटिंग को मतलब हैंडेड हैंडेड कर दीजिएगा और फिर साइज को अपने हिसाब से मिला लेंगे। और फिर कलर पर क्लिक करके और कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए इसको मतलब कलर पर चूज कर दिया हूँ रेड, और रेड करने के बाद यहाँ ब्रश पर क्लिक कर देंगे, और ब्रश पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए अपने होठ पे चलाएंगे, सिर्फ अपने होठ पे चलाएंगे जो अपने ब्रश है उसको। चलिए मैं चलाता हूँ, आप भी ऐसे चला लेंगे एकदम स्लो मोशन में, आप पूरा फुल एडिट क्वालिटी और हार्ड फोटो एडिटिंग करके दिखलाएंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पे हो गया थोड़ा सा और है,
मैं बोला था कि आपको मतलब रियलिटी एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, देख सकते कितना हार्ड और ऑसम हो गया। वन क्लिक में आपको कॉपी पेस्ट करने आ गया प्रेशर को, और फिर यहाँ से इसी वाले लेयर पर क्लिक करके और जो होट वाला अभी रेड वाला है उस लेयर पर क्लिक कर दूंगा, और उस पर जो ओपेसिटी है उसको यहाँ पे कुछ कम कर लेंगे अपने मतलब बोले तो, और फिर जो ऊपर है इस पर क्लिक करने के बाद आपका होट मतलब नॉर्मल करना होगा नॉर्मल कर लीजिएगा, और हार्ड करना होगा हार्ड भी कर सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। देख लीजिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करके अपना सेटिंग को देख लीजिएगा कितना हार्ड और ऑसम हो गया होट लगने लगा है। जितना मैं मतलब बोले तो जो मैं थंबनेल पर लगा था वैसा ही फोटो एडिट करके आपको दे रहा हूँ, ऊपर डन कर देंगे और डन पर क्लिक करके चलिए मैं आपको गैलरी में दिखलाता हूँ इसको सेव करके। मैं बोला था कि रियलिटी मैं फोटो को एडिट करके दिखलाऊंगा, देख सकते कितना हार्ड और ऑसम हुआ है फोटो, आप भी ऐसे कर सकते हैं मेरे वीडियो को अगर फुल वॉच कर रहे होंगे तो, अगर नहीं किया है तो दोबारा जाकर के मेरे वीडियो को देख करके आप कर सकते हैं फुल क्वालिटी और हार्ड फोटो एडिटिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूले, मेरे चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन से। चलिए मैं दिखला देता हूं ये मेरा फोटो था, और फिर आप देख सकते हैं। चलिए ऐसा ही वीडियो के साथ ऑसम वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।